नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी के प्रसिद्ध कैलाश हाथीखाना शिव मंदिर में सावन के पवित्र मास में नागपंचमी के अवसर पर कर्मकांडी पंडित दीपलाल जयपुरी ज्योतिषी ने आज शिव भक्तों को नागपंचमी की पौराणिक कथा सुनाई। इस अवसर पर 18 रुद्र महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से आहुतियां डाली। मंदिर प्रबंधन की ओर से शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। अम्बाला छावनी से हमारे जिला संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। पंडित नमस्कार। पंडित, जिस तरह से आज नागपंचमी का दिन है और बाकायदा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है नागों की जो है पूजा यहाँ पर कराई जा रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नागों की पूजा आदि काल से होती रही है। नाग एक देवता है। श्री राम जी के भाई जो लक्ष्मण जी थे वो शेषनाग का अवतार थे। भगवान भोलेनाथ के गले में जो नाग देवता है उनका नाम तक्षक है। इस समय में नागों ने बहुत उत्पाद मचा रखा था। तंदारा जी ने ब्रह्मा से कहा कि हे महाराज, इस मृत्यु लोग में नागों ने बहुत ही उत्पाद मचा रखा है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए धरती में। उन्होंने नाग देवता से आह्वान किया। तब से नाग जाति शांत हो गई। उन्होंने एक अपना राज्य स्थापित करा। नाग देवता पितरों का रूप भी होते हैं। आज के दिन जिनकी कुंडली में काल सर्प योग विद्यमान होता है उसकी काल सर्प दोष की भी पूजा करवाते हैं। जिनके पितृ रुष्ट हैं उनकी भी पूजा नाग देवता के रूप में कराते हैं। जिनकी बहुत पुरानी 500-700 साल पुरानी कोई प्रॉपर्टी है और उनको खन खन की रात को छन छन की आवाज आती है तो इसका अर्थ यह उनके घर में लक्ष्मी है। लेकिन वो लेने से पहले आज्ञा लेते हैं नाग देवता की, क्योंकि उनका रक्षक जो है देवता है, जोड़ा होता है। कुछ नागों के घने जंगलों के अंदर ऐसा बताया गया है, देखा भी गया है, नागों के ऊपर मणि होती है। इच्छाधारी नाग भी ये होते हैं। इनकी परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। तो आज हम मंदिर कैलाश मंदिर हाथीखाना में 18वें रुद्र महायज्ञ 2021 के अंतर्गत नाग देवता की पूजा करवा रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे यजमान सारे बैठे हैं। किसी को काल सर्प योग है, किसी की इच्छा है, कोई नाग देवता चढ़ा रहा है, कोई नाग देवता पूजा कर रहे हैं, कोई अपने पितरों की शांति हेतु पूजा कर रहे हैं। तो सारे हमारे भाई बहने हैं तो मन वचन कर्म से मैं कथा बोलने जा रहा हूँ नाग देवता की कथा प्राचीन काल में क्या था। आप कथा सुनिए। कथा सुनने से आपको यथाइष्ट की प्राप्ति होगी। जो सुन रहे हैं जहां तक मेरी वीडियो जाएगी वहां तक भी जो जो कथा सुनेंगे उसको भी यथाइष्ट की प्राप्ति होगी और जिनके पितृ रुष्ट हैं उनको भी शांति प्राप्त होगी। पहले भजन करेंगे, सबसे पहले आह्वान करेंगे, हाथ जोड़ो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।